नमस्कार, मैं हूं रोहित कश्यप और विधायक जी का वही खाता जाने अब हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के नवागढ़ विधानसभा। यहां के विधायक है गुरुदयाल सिंह बंजारे, जो कि बीजेपी के शासनकाल में मंत्री और विधायक रहे। दयाल दास बघेल को जो है पराजित करके विधायक बने हुए हैं। उनके काम काजों को लेकर के आम जनता के बीच हम जाएंगे और नवागढ़ विधानसभा का हाल आपको बताते रहेंगे। तो नवागढ़ विधानसभा में विधायक जी के वही खाता जानने हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ बात की शुरुआत करेंगे। देखिए, नवागढ़ में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, यहाँ स्वागत द्वार लगा हुआ है, यही पास आसपास में दुकान है, हम यहीं से लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के विधायक के काम काज से आप लोग कितने संतुष्ट है? जो शंकर नगर वाला बाईपास रोड है, धूल से भरा भरा पड़ा है, लाइट लगना चाहिए, वहाँ बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, बस स्टैंड देखो अस्त व्यस्त है पूरा। अच्छा, यहाँ के लोगों ने कभी इन तमाम जो है विषयों को लेकर कभी विधायक जी से बातचीत की? आप लोगों ने बात किया? हम नगर पंचायत अध्यक्ष जी को बोले थे, अब अध्यक्ष विधायक जी को कभी बोले कि नहीं बोले? विधायक जी को भी बोल चुके हैं, सब मोहल्ले वाले लोग बोल चुके हैं। तब फिर क्या बोले विधायक जी, क्या किया? करूंगा बोले थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। चलिए, तो शहर की कुछ समस्या बता रहे हैं और विधायक जी के पास भी लोग बात भी पहुँचाए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है बता रहे। आप बताइए कौन से गाँव से हैं? मैं तो इतकौड़िया से हूँ, नवागढ़ विधानसभा। नवागढ़ विधानसभा। ये बताइए, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, उनके काम काज से आप कितना संतुष्ट हैं? 15 साल भाजपा के शासन में देखो जरूर इतकौड़िया थे और 5 साल कांग्रेस के शासन में देखो इतकौड़िया थे। फिर हम बताबो कि वो अच्छा है भाजपा से कहीं बेहतर है। 15 साल में भाजपा नहीं बनवा सकी तो 5 साल में कांग्रेस का कहाँ बनवा रहा है कोई चीज? हमारे तो दोनों को नहीं आना चाहिए कहा था। तीसरा मौका मिलना चाहिए। ये दोनों घटिया है, दोनों पार्टी एक है, वो होकर बुराई करी, वो होकर 15 साल में भाजपा नहीं बनवा सकी तो वो कैसे कह सकते कि आज कांग्रेस से नहीं करेगी? यही मोदी और रमन के सरकार है, जिन्हें धान लग दोनों जगह हम जीत पाते, लोकसभा विधानसभा में तो 2100 करबो कि नहीं करी तो वो से तिहार गया। अब यह कम से कम धान की कीमत लग किसान मन लगते बचते। मुख्य काम है किसानों से संबंधित जो धान खरीदी केंद्र है, सोसाइटी की संख्या है उसमें वृद्धि की है हमने। पहले 22 सोसाइटी हमारे नवागढ़ विधानसभा में हुआ करता था, अब वो बढ़कर सीधा 44 हो गया है, जिसके कारण आज किसान समय रहते वक्त से पहले धान बेच पा रहे हैं। और पहले हमने देखा है कि वो टोकन के लिए लाइन लगते थे, फिर अगर किसी तरह टोकन मिल गया तो धान को बेचने के लिए सोसाइटी में फिर 2-3 दिन उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था, रात रात तक रुकते थे परिवार को छोड़ के, तो उस तकलीफ़ से उन्हें निजात मिला है। और इसके साथ साथ हमारी कांग्रेस सरकार धान की सही कीमत भी दे रही है। और दूसरा हो गया शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, कई स्कूल बनवाए, हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके अलावा अभी हमने 2 जगह कॉलेज भी बनवाए हैं। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव है आदरणीय श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे, वो किसी मामले में जनता के विकास कार्य में वो खरा नहीं उतरा है। खाली उन्होंने अभी तक के जो भी किया है या उनके सरकार की है, सिर्फ घोषणा किया है, वादा खिलाफी किया है, वादा किया है, बाकी काम कुछ भी नहीं किया है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप अमरडीहा से लेकर उमरिया तक देख लो, चाहे गाड़ा मोड़ से लेकर तक के आप चार भांडा तक के देख लो, पूरे सभी जगह रोड जो है हालत खराब है। जो भी विकास कार्य हुआ है, जो रोड बना है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल का बना है, इनकी कार्यकाल में, गुरदयाल सिंह के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ है। विधायक जी का वही खाता जानने अब हम पहुंचे हैं नवागढ़ का ही जो शहर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का ये ग्राहक सेवा केंद्र है। यहाँ पास कई तरह के लोग हैं, किसान है, युवा है, हर वर्ग के लोग हैं। आप यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं? यहाँ के विधायक है, उनके काम अच्छा काम कराए हैं, क्या काम करा बेचारा, सब चीज अच्छा है।
सरकारी योजनाओं का किसानों से संबंधित योजना उसका लाभ यहाँ मिल रहा है? ये बताइए दादाजी, आप नाव का विधानसभा के कौन है? कौन है विधायक आपके? बंजारे। अच्छा, ये बताइए विधायक के काम काज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं हो, काबर को तो अभी मंदिर तो बनवा दी, करोड़ को लड़के हम लोग पढ़े पर कॉलेज में बनवा छमर लड़के दर दर भटक। अच्छा, हाँ तो आप लोगों ने कभी विधायक जो ये नहीं बोला कि भाई आप जो है शिक्षण संस्थान बनवाइए ताकि बच्चे पढ़ सके? बोल रहे ना, नहीं करे तो भर। तो आप अपनी समस्या को लेकर कभी विधायक जी के पास गए? सब सुनी तो वो कितना संतुष्ट है? तो किसान पर भाई बड़े बड़े है पर किसान पर अच्छा है और छोटे पर को कोई लाभ नहीं। नवागढ़ विधानसभा में सड़क पानी बिजली की क्या स्थिति है? ठीक है, ठीक है, यानी सड़क दुरुस्त है, चकाचक है? गवाई काम नहीं है भैया, चकाचक शहर कहा चकाचक भाजपा दे कांग्रेस दे, हम काला बता दो। आप शहर से हो कि गांव से हो? हम गांव से हैं। गांव से, चलो युवा लग रहे हो, ये बताओ यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है नवागढ़ में? नवागढ़ के यहाँ जो विश्वविद्यालय, ये बताओ बेरोजगारी क्या स्थिति है? खासकर नवागढ़ की बात करो तो बेरोजगारी दूर करने में विधायक जी ने क्या भूमिका निभाई? बेरोजगारी दूर करने में विधायक जी से क्या बोले, तो वो कहाँ कुछ निभा रहा है अभी, कहाँ रोजगार की दिशा में कुछ काम किए कि नहीं किए? अभी फिलहाल देखा जा रहा है तभी तो कुछ किए नहीं है। अभी हाल के ऊपर यदि हम देखें तभी अभी, अभी अभी तक तो हमारे नजर में मेरे स्पेशली कुछ किए तो। अच्छा, ओवरऑल आपसे मैं पूछना चाहूँ तो विधायक जी के काम काज से आप लोग कितना संतुष्ट है? आप लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए? अरे तो उतरे 50-50 बोलूंगा, क्योंकि इस बार हम लोग जहाँ से हम आते हैं उधर वाले रोड 3.5 किलोमीटर रोड जो है एकदम मतलब बिगड़ा हुआ है। किस रोड की बात कर रहे हैं? कौन गांव से हैं, कहाँ से आते हैं? झांकी के हूँ मैं, और झांकी से जो मुकुटा तक का जो रोड है उसके लिए सर पारित करने के लिए कर दिए हैं विधायक जी, उसके लिए हम खुश हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी काम करते तो ठीक रहता। बताओ, मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है प्रतिदिन गिर रहा है, रोड खराब है। कहाँ से हैं आप, किस रोड की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा बताइए। कौड़िया, एक कौड़िया का हूँ। तो उसके बाद हम आवेदन किए, 5-10 आदमी आया लेकिन सुनाई भी नहीं किया। तो विधायक के पास आप लोग इस समस्या को लेकर कभी गए कि नहीं? हाँ, गए हैं। और गए तो क्या हुआ? सुना भी नहीं, हमारे बाप आ रहा हूँ करके बैठ कर रह गया, सुना भी नहीं हमारा बाप। तो यहाँ के जो लोग जो समस्या बता रहे हैं उस पर जरूर संज्ञान लीजिएगा। हम नवागढ़ के विधायक के वही खाता बना रहे हैं, अलग अलग चौक चौराहे में जाकर आपको यहाँ का हाल बताते रहेंगे। तो विधायक जी का वही खाता जानने अब हम नवागढ़ के जो बस स्टैंड परिसर के बाजू में जो है सब्जी मार्केट है वहाँ पहुँचे हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में एक युवा है, इनसे जानना चाहता हूँ यहाँ के विधायक के काम काज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? जी बहुत अच्छी है। कितना काम करा है विकास की दिशा में? आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? मैक्सिमम 50% ऐसा लगता है कि 50% से वो उनकी वर्किंग। चलिए आप बताइए यहाँ के जो विधायक है, विधायक कौन है वो बता दीजिए पहले। उन्होंने जो है किसानों के लिए कितना काम किया है, या जो सरकारी योजनाओं का जो सरकारी योजना है किसानों को लेकर के उसका लाभ नवागढ़ मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है, और एजुकेशन लेवल पे काफी अच्छा प्रोग्रेस है। पानी बिजली सड़क की नवागढ़ विधानसभा में क्या स्थिति है? उसको तो अभी 2 ही साल हुआ है यहाँ पर, अच्छा है। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ के जो विधायक है, उन्होंने पानी बिजली सड़क को लेकर कितना काम कराया है? ठीक कराया काम, और क्या जनता के हिसाब से कितना काम करा है? आप लोग की उम्मीदें पर खरा उतर रहे हैं वो? उतर रहा है। नवागढ़ विधानसभा में सड़क पानी बिजली की क्या स्थिति है? ठीक है, सड़क पानी सब ठीक है।
चलिए कुछ और लोग आए हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कुछ युवा होते भी हैं जो बोलने से कतराते हैं, लेकिन आज की युवा है, आधुनिक युग के युवा है, बोलना चाहिए। चलिए हम विधायक जी का बही खाता बना रहे हैं और जो है फीडबैक लेने जनता के बीच में पहुंचे हैं। अलग अलग चौक चौराहे पर आपको विधायक जी का जो है रिपोर्ट कार्ड बताते रहे। तो विधायक जी का बही खाता बना रहे हैं और बताइए, ये जो है सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट में की बात करें तो यहाँ किस तरीके की समस्या है? कभी यहाँ की समस्या को लेकर विधायक जी जो है उन्होंने कुछ प्रयास किया कि नहीं किया? विधायक जी तो जब चुनाव होने से पहले यहाँ आए थे, उन्होंने वादा किया था कि सब्जी मार्केट का जो ये जो टीन सीट बनाऊंगा करके, लेकिन अभी भी यहाँ टीन सीट बना नहीं है। पानी से व्यापारी ऐसी परेशान है ना, लाइट की व्यवस्था है और लाइट था उसको भी कटवा दिया, एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है उसमें भी लाइट रहता है कभी नहीं रहता है, यहाँ पर अलग फॉल्ट है। और एक तो एक सब्जी बना है ये टीन सीट, उसमें भी गंदगी से इतनी परेशान है कि कोई व्यापारी भी बैठना पसंद नहीं करता, ये हाल है। अब ये बताओ ये तमाम जो समस्या है उसको लेकर के आप लोग फिर कभी जो है विधायक जी के पास गए कि नहीं गए, और गए तो फिर क्या समाधान निकाला उन्होंने? विधायक जी के पास तो नहीं गए, लेकिन नगर पंचायत में कई बार गए। नहीं तो हम जो है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, उन्होंने क्या प्रयास किया कि आप लोगों की समस्या दूर हो जाए उसको लेकर? अब उनके पास तो अब जाने का समस्या नहीं, समय नहीं मिलता, और क्या बताए मार्केट में यहाँ व्यापारी लोग अब छोड़ो हटाओ वाला है, यहाँ आता ही नहीं है। चुनाव से पहले आया था, चुनाव होने के बाद एक बार भी यहाँ आया नहीं है। मोदी जी को खुद देखना चाहिए कि मेरा नवागढ़ विधानसभा कहाँ पास क्या है, कैसा नहीं है सब्जी मार्केट। चलिए सब्जी मार्केट में कुछ समस्या तो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी है वो कभी विधायक जी से मिले भी नहीं है, ये भी एक अलग बात। आप बताइए यहाँ किस तरह की समस्या है, और कभी यहाँ की समस्या को लेकर आप लोग विधायक जी के पास गए कि नहीं गए? नहीं गए भाई। ये बता दीजिए किसानों को जो है नवागढ़ विधानसभा में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सरकारी योजना भाई, अब व्यापारी सब्जी वाले मार्केट में कीचड़ है पूरा गंदगी। उन्होंने विकास का काम कराए होंगे तो कितना काम हुआ है पानी बिजली सड़क को लेकर? ऐसे हुआ भाई, बहुत काम हुआ, कितनी हो गया। तो चलिए हम जो है सब्जी मार्केट में विधायक जी का बही खाता जान रहे थे, यहाँ कुछ तरीके की समस्या बता रहे हैं। हालांकि समस्या जो है अपने आप में अलग समस्या इसलिए है क्योंकि कभी ये लोग जो विधायक जी से मिले भी नहीं है। नवागढ़ विधानसभा का हमने हाल जाना, विधायक जी का बही खाता जाना, शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के लोगों से हमने बातचीत की। कई लोग जहाँ विधायक के कामकाज से संतुष्टि जता रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग भी मिले जो उनके कामकाज को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विधायक के कामकाज को लेकर लोगों को मिली जुली प्रतिक्रिया हमको जो है मिली है। और एक बात ये भी सामने आई है कि नवागढ़ विधानसभा में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यानी कि पानी बिजली सड़क को लेकर के और भी काम करने की यहाँ जरूरत है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, न्यूज़ 24 मुंगेली।